कि बीती दिनांक जे 26 फरवरी को सोनारी में फायरिंग का घटना घटित हुई, उसमें करीब 8 लोगों को नामजद FIR बनाया गया था। उसमें मुख्य आरोपी रविदास, जो उन्होंने गोली चलाया श्याल सिंह के ऊपर, उनको हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे और उनके निशानदेही पे, उनके पूछताछ पर, उनके द्वारा उस घटना में प्रयोग किए पिस्टल और जिंदा गोली ये सब बरामद हुआ है। और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना का कैसे प्लानिंग हुआ, कहाँ प्लानिंग हुआ, कौन इसमें शामिल है और किसका कितना रोल है, ये सब उन्होंने अपने स्वीकारक बयान में बताया गया है। इस आधार पर हम लोग और अनुसंधान मजबूत कर रहे हैं, तेज़ी कर रहे हैं और इसमें जो बचे हुए हैं कुछ अक्यूज लोग, उन लोगों को भी हम लोग पकड़ने में लगे हुए हैं और जल्दी हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करके इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाके सजा कराएंगे। क्योंकि जो रविदास है ऑलरेडी एक मर्डर केस में बेल में है, उस केस में भी विचाराधीन चल रही है। इनके पूर्व में हम लोग 4 बार तड़ीपार भी कराए हैं जिला से, और उसके बाद जो श्याल सिंह और इनके बीच में जो गुडबाजी चल रहा था, वो इन लोगों को किसी पर्टिकुलर लड़की का शादी के चलते इन लोगों के बीच में, जैसे रविदास का कोई भतीजी का शादी कहीं सेट हुआ था, उसमें श्याल सिंह ने फ़ोन करके उनको गलत सूचना देके शादी को टूटा दिया। इसी कारण इन लोगों के बीच में तुरंत ये जो घटना होने का कारण था, तो इस कारण से उनको वो दंडित करना चाह रहे थे, इस माहौल में घटना कारित हुआ। और इसमें अभी तक जो घटना स्थल से हम लोगों को बरामद हुए पुखा कार्ट्रिज और 2 हथियार, ये सब हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं मिलान करने के लिए। इसके अलावा घटना में शामिल बोलेरो, बाइक और होंडा सब बरामद हो चुका है। तो इसमें हम लोग 90% जो एविडेंस है हम लोगों का, टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और हम लोग को जो गवाही, ये सब हो चुका है। जल्दी हम लोग इस केस को चार्जशीट करके हम लोग अपना स्पिरिट ट्रेगन में ले जाएंगे और सजा इनको दे जाएंगे।